एक नस में ब्लॉकेज रह गया था, जिसके कारण ये 30 साल से दवा पर ही डिपेंड थी। अभी लास्ट 20 दिन पहले इनको दर्द होने लगा अचानक, तो मैं कानपुर में कार्डियोलॉजी में ले गया। वहाँ पर कुछ दिन, 5 दिन करीब ही एडमिट रही। डॉक्टर ने बताया कि एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, क्योंकि इनका केस थोड़ा क्रिटिकल है, इनकी लास्ट नस भी ब्लॉकेज है। फिर मैंने यहाँ मेदांता लखनऊ में डॉक्टर मजूमदार जी से संपर्क किया। ये जो पेशेंट है, ये 70 ईयर्स का लेडी है। ये यहाँ पे हम लोग के पास आए सीवियर चेस्ट पेन करके। इनका 1994 में बाईपास सर्जरी हुआ था एक बार, तो अभी 30 इयर्स के बाद इनका दोबारा सिम्टम्स आना शुरू हुआ, और काफ़ी सीवियर सिम्टम्स था इनको। चेस्ट पेन बैठे बैठे होना शुरू हुआ, तो उनको हम लोगों ने फिर दोबारा एंजियोग्राफी वगैरह किया, उसमें दोबारा इनका नालियों में ब्लॉकेज आया है। उन्होंने बोला कि हाँ, हम इनका ऑपरेट कर देंगे, आप ले आइए, और काफ़ी ढांढस बताया हमें। और उसके बाद हम यहाँ मेदांता में अपनी माता जी को लेके आ गए। यहाँ पर इनका ऑपरेशन डॉक्टर मधुमजात जी की कृपा से बहुत सफल ऑपरेशन हुआ, और ये इस समय हमारे बगल में बैठी हैं, और बहुत ही अच्छा ऑपरेशन हुआ, स्वस्थ हैं इस समय। आजकल दूसरी बार बाईपास सर्जरी भी आराम सेफली किया जा सकता है। इनका इतना सिम्टम है, तो इनको बाईपास सर्जरी के लिए हम लोगों ने एडवाइस किया। बाईपास सर्जरी सक्सेसफुली हो गया, 5 दिन के बाद इनको डिस्चार्ज भी कर दिया। तो ये अवेयरनेस का ज़रूरत है, बाईपास सर्जरी सेकेंड टाइम भी हो सकते हैं सेफली, थर्ड टाइम भी हो सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती है। इनका पहला ऑपरेशन 30 इयर्स के पहले हुआ है, तो 30 इयर्स इनका अच्छे से चला। अभी 30 इयर्स के बाद दोबारा ज़रूरत पड़ा, तो दोबारा भी किया गया, सेफली किया गया। तो हम लोग यहाँ पे सारे तरह से ऑपरेशन करते हैं। बाईपास सर्जरी पहला बार भी करते हैं, सेकंड टाइम भी जरूरत पड़े तो किया जा सकते हैं। तो सेकंड टाइम बाईपास सर्जरी को हम लोग रीडू बाईपास सर्जरी बोलते हैं। रीडू सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम भी किया जा सकता है। दो रीडू सर्जरी, सेकंड टाइम सर्जरी पहला वाला सर्जरी से थोड़ा ज़्यादा रिस्की होती है। उसमें ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो ये सारी जहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, स्किल्ड डॉक्टर है, पूरा टीम है, वहाँ पे सेकंड टाइम या थर्ड टाइम बाईपास सर्जरी सेफली किया जा सकता है। हम लोग मेदांता में लास्ट 3 to 4 ईयर्स में लगभग 50 से भी ज़्यादा रीडू बाईपास सर्जरी, बल्ब सर्जरी, सेकंड टाइम सर्जरी बच्चों में किया है, और अच्छा रिजल्ट के साथ किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ ये सब सर्जरी किया जा सकता है। तो ये अवेयरनेस का बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है पहला बार सर्जरी हुआ तो दूसरा बार सर्जरी नहीं हो सकता है, दूसरे बार सर्जरी भी सेफली अच्छे से किया जा सकता है, पेशेंट के आउटकम भी अच्छा हो सकता है। और यहाँ की फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत अच्छी है, डॉक्टर्स अच्छे हैं, स्टाफ अच्छा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये यूपी में हमारे लिए बड़ा ही गर्व की बात है कि मेदांता जैसा हॉस्पिटल हमारे उत्तर प्रदेश में है।